नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम, सीएम योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास जनहित कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं से करेंगे भेंट, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कई कार्यक्रम है जिसमें सीएम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही जन मिलन कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं से करेंगे भेंट, आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी करेंगे हवाई सर्वे के माध्यम से। और इस खबर पर हमारे साथ जो है स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू, अगर बात किया है तो सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम है जहां पर वह कई जो है योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे, आखिर क्या कुछ जानकारी है उनके दौरे से संबंधित? देखिए कपिल, आज एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग का अगस्तमुनि क्षेत्र है और रुद्रप्रयाग का उकीमठ क्षेत्र है, दोनों ही हाल ही में 31 जुलाई को जो अतिवृष्टि के कारण जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र हैं, इन आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आज मुख्यमंत्री निरीक्षण करने वाले हैं, सर्वेक्षण करने वाले हैं। जहां पर स्थलीय निरीक्षण हो सकता है वहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे, और जहां पर स्थलीय निरीक्षण नहीं हो सकता वहां पर हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं और जब से अतिवृष्टि हुई है तब से लेके अभी तक सरकारी तंत्र ने कितना इस क्षेत्र का कायाकल्प किया है, जो प्रभावित लोग हैं उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है, उनकी समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जा रहा है, इस पर आज मुख्यमंत्री अपडेट लेने वाले हैं। कुछ जो स्थानीय स्तर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे आज मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं, जो सामाजिक संगठन हैं उनसे, संगठनों के पदाधिकारियों से मिलने वाले, कुछ एसोसिएशन भी हैं, यानी आपदा प्रभावित क्षेत्र से संबंधित जितने भी लोग हैं उनसे आज मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं और यहाँ के कामकाज का अपडेट लेंगे। इसके साथ साथ जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो जो केदारनाथ सोनप्रयाग है, केदारनाथ का जो पैदल यात्रा मार्ग है वो जो तकरीबन 29 स्थानों से पर क्षतिग्रस्त हो गया था, ऐसे उसकी स्थिति का जायजा लेंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अपडेट लेने के दौरान जो अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो केदारनाथ धाम की यात्रा है उसको पहले हवाई व्यवस्था के तहत हवाई सेवाओं से शुरू किया गया, फिर उसको पैदल मार्ग के माध्यम से भी शुरू किया गया, अब उसको पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया जाए और जो श्रद्धालु यहाँ बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं वो यहाँ सुरक्षित यात्री का जैसा हालात जो है वो फील करें। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है आज मुख्यमंत्री की, दिन भर कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग से फिर चमोली जनपद के लिए रवाना हो जाएंगे और शाम के वक्त मुख्यमंत्री गैरसैंण में पहुंचेंगे। अगर बात किया जिस तरीके से आपदा जो है क्षेत्र उनका हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे और मुलाकात भी करेंगे, तो क्या इस दौरे से क्या कुछ आपदा जो प्रभावित लोग हैं उनको क्या कुछ घोषणा भी कर सकते हैं? अब देखिए, जब आपदा आती है तो जो क्षेत्र प्रभावित होता है कम से कम समय में कैसे रिस्पॉन्स किया जा सकता है, कैसे राहत और बचाव कार्यों को जो है वो कम से कम समय में किया जा सकता है, यानी रिस्पॉन्स करने की जो सीमा है, समय है, समय सीमा, उसको न्यूनतम कैसे किया जा सकता है, सरकार का इस पर फोकस होता है। देखिए कभी आपदा को रोका तो नहीं जा सकता है लेकिन राहत और बचाव कार्य कितनी तत्परता से तात्कालिक तौर पर किए जा सकते हैं, सरकार इस पर फोकस करती है। और जब कहीं किसी क्षेत्र में अतिवृष्टि होती है और आपदा के जो हालात बनते हैं उसके बाद सरकार युद्ध स्तर पर कार्य करती है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के स्तर से राहत और बचाव कार्य किए गए। अब चूंकि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में पहले भी मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा ले चुके हैं, आज दोबारा से जाएंगे, उम्मीद ये की जा रही है कि आज इस क्षेत्र के लोगों को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं आज कर सकते हैं, राहत देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र की कायाकल्प के लिहाज से इस क्षेत्र को फिर से दोबारा से पटरी पर लाने के उद्देश्य से सरकार जो है वो महत्वपूर्ण आज कदम उठा सकती है, ये उम्मीद की जा रही है। अब देखना होगा ऐसे में कि आखिर सरकार के मुखिया आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत के लिहाज से आज कौन सी घोषणाएं करने वाले हैं।
चलिए सोनू, तमाम जानकारी आपसे और भी लेते रहेंगे, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो खबर देहरादून से है, जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम है, जहां पर वह हवाई समीक्षाओं के माध्यम से आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही बात किया है तो कई प्रकार के कार्यक्रमों के मतलब योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे।